और विलाने चटाने लगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गैस का तीसरी फरमा मैंने से तहाज मुस्लिम के कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल हन्नान साहब मुख्तर बाबा साहब मैंने से तहाज मुस्लिम के कायदीन जनाब फतेहद्दीन खलील साहब मना अकबर साहब इतराई मैंने से तहाज मुस्लिम के सुदूर जनाब करीम साहब राजा भाई साहब बैद साहब भैया साहब जनाब फेरोज खान साहब दिगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुजुर्ग और दोस्तों प्रधान यकीन मेरी भाव बहनों आज का जलसा इंतखाबी जलसा है 23 तारीख के दिन तेलंगाना के मुकद्दर का फैसला होने वाला है तो वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद के 9 निश्चित तौर पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह नसीब मिल्लत आले जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुझको एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अदना वर्कर को उन्होंने हल्का असम्बली बहादुरपुरा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया। मैं सदर मोहतरम का ममनून व मशकूर हूँ। हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ममनून व मशकूर हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे खानों पर डाला है तो मेरा काम यही है कि मैं किस तरीके से सदर मोहतरम और हबीब मिल्लत ने मुझ पर जो एतमाद करकर अपना उम्मीदवार बनाया है तो मैं यहाँ से मुंतखब होने के बाद में अवाम के बीच में रहते हुए अवाम के मसाइल को हल करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और उनके एतमाद को कभी छोड़ने नहीं दूंगा। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों आज हर सियासी जमात अपने अपने उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए अपने अपने उम्मीदवार के हक में वोट का इस्तेमाल करवाने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं चाहे वो कांग्रेस हो या फिर BRS हो BJP हो या दीगर पार्टियां या आजाद उम्मीदवार हो। ये 5 साल में एक बार जिस तरीके से साल में एक बार बारिश होती है तो बरसाती मेंढुक जैसा कि बाहर निकल कर आते हैं उसी तरीके से ये बरसाती मेंढुक 5 साल में एक बार बाहर निकल कर आते हैं तो पुकारा करते हैं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों आपको देखना है कि कौन सी जमात आपके बीच में रहकर आपके मसाइल को हल करती है और कौन सी जमात आपके ऊपर जुल्म होता है तो ज्यादती होती है तो कौन आपके लिए आपके बाजू ठहरता है उसको आपको देखना है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों जैसा कि आप देख रहे हैं कि संजय गांधी नगर के अंदर मैं यहाँ पर कोई नया नहीं हूँ। मैं भी टिकल कुंटे का रहने वाला हूँ आपकी बस्ती में ही रहने वाला हूँ पर मैं दूसरी तरफ से नहीं आया क्योंकि यहाँ के हर सदर व मोहतमर हर वर्कर से मेरा भी ताल्लुक है क्योंकि मैं भी आप ही के बीच में से एक हूँ। मैं भी क्योंकि मेरी हैसियत टिकल कुंटे का सदर की हैसियत से 30-35 बरस तक सदर इब्तदाई मजलिस की हैसियत से मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में सदर मोहतरम ने मुझको हल्के बल्दी डिवीजन आगापुरे से कॉर्पोरेटर का टिकट दिया फिर उसके बाद सदर मोहतरम ने 2009 में रंगतपुरा से कॉर्पोरेटर बनाया। इस तरीके से 2 मरतबा मैंने यहाँ से कॉर्पोरेटर था फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह शास्त्रीपुरम डिवीजन से मैं कॉर्पोरेटर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। इसकी वजह क्या है कि हमने अवाम के बीच में रहकर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमको ये मौका अता किया। आज जो लोग मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैसे वालों की जमात है पैसे वालों को टिकट दिया जाता है लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है एक मिसाल मैं आपके सामने हूँ कि एक बहसियत वर्कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझको इतनी बड़ी जिम्मेदारी से निभाया है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कौशर मुहिद्दीन साहब की आठवीं
के बीच में से उन्होंने एक इब्तदाई के सदर के जिससे काम किया था उनको भी टिकट दिया गया। भैया रहमत पाशा कादरी साहब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मनीष चहादुर मुस्लिम वर्करों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो आपके सामने मैं ये बात रखना जरूरी समझता हूँ क्योंकि ये जो सीधे हाथ का इलाका है जो संजय गांधी नगर का यहाँ पर बहुत बड़ा नारा था जिस वक्त मैं भी कॉरपोरेटर था तो उस वक्त मैंने भी बॉस लेन का सैंक्शन लिया था। उस वक्त के सी साहब धन सिंह साहब ने सदर मोहतरम से कहा था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उन्होंने बताया था उसके बाद हम उस बॉक्स लेन को कैंसिल करवा कर ड्रेन को बनाया गया था। लेकिन अब्दुल हन्नान साहब ने आपके कॉरपोरेटर साहब ने इस नाले को तामीर करवाया आज एक बेहतरीन रोड आपके सामने है क्योंकि कई जमाने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को रिश्ता आना बोले तो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि बहुत बड़ा नाला था क्योंकि मच्छर वगैरह गंदगी हर चीज होती थी और कई लोग ने सदर मोहतरम से भी कहा था लेकिन उन्होंने बेहतरीन काम आपके सामने है। और आज हमने सुबह में इस इलाके का दौरा किया तो यहाँ पर कई तकरीबन 20 से 25 गलियों के अंदर बेहतरीन EDCC रोड का इंतजाम किया गया है। यानी राइट साइड के 3-4 गलियां बाकी है यहाँ की मेरी माए बहने ने हमसे शिकायत की कि पूरे इलाके के अंदर आप लोगों ने रोड दबा दिया बेहतरीन नाला बनवा दिया लेकिन हमारे 3-4 गलियां बच चुके हैं। तो हमने उनसे वादा किया है कॉरपोरेटर साहब हन्ना साहब ने कहा कि एक सैंक्शन है इस काम को भी बाद इंतखाबात के उन 3-4 गलियों का काम भी करवाया जाएगा। और इसी तरीके से कुछ पानी की शिकायतें वसूल हुई तो इंशाअल्लाह ताला जो पानी की शिकायत है उसको भी हम जल्द से जल्द उस मसले को भी हल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मनीष इत्तेहादुल मुस्लिमीन 24 घंटे आपके बीच में रहने वाली जमात का नाम मनीष इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के हालात क्या है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिन रियासतों के अंदर इख्तदार में है वहाँ के मुसलमानों के साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है ये आपके सामने है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है उसके बावजूद अपने आप को सेकुलर कहने वाली समाजवादी पार्टी के कई MLA मुंतखिब होकर आए लेकिन वहाँ पर योगी की सरकार के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो वहाँ पर कोई मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। कहीं हमको गाय के गोश्त के नाम पर मारा जा रहा है कहीं हमको टोपी और गाड़ी के नाम पर मारा जा रहा है और कहीं पर हमारे घरों को बुलडोजर लगाकर हमारे घरों को तोड़ दिया जा रहा है। तो इस तरह के अंगाज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है लेकिन वहाँ की समाजवादी की सरकार कुछ नहीं करती खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों आपकी और मेरी जमात मनीष इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर भी किसी मुसलमान को काटा भी चुकता है तो दिल में दर्द को महसूस करने वाले खायर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उन्होंने कोई अपने आवाज उठाते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो मॉबलिंचिंग का मसला हो या गाय के गोश्त के नाम पर हमको मारा जाता है तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर कोई आवाज उठाते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसी तरीके से 3 तलाक का मसला आया शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत की जा रही थी लेकिन उस वक्त के कांग्रेस के लीडर और समाजवादी के लीडर दीगर सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहने वाले उन बिल की मुखालिफत नहीं किए बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी साहेबजादी की शादी रखकर उन्होंने जिस वक्त बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया तो वो वहाँ पर मौजूद रहकर उस बिल की मुखालिफत की। और इसी तरीके से आज अपने आप को सेकुलर कहने वाली जमात और हम पूछना चाहते हैं जहाँ पर हमारा मसला आता है तो कोई हमारे लिए ठहरने वाला नहीं है लेकिन आपकी क़यादत आपके लिए ठहरने वाली है। अगर मनीष इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके MLA 9 MLA अगर आपके जीत करेगा असेंबली के अंदर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिए जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐवान असेंबली के अंदर किस तरीके से अपने मुतालिबात को मनवाते हैं चाहे वो आपकी जायदादों का मसला हो या आपकी तालीम का मसला हो या आपके डेवलपमेंट का मसला हो चाहे कोई भी
मसला हो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैवान कमरे के अंदर उठाते हैं और वक्त के चीफ मिनिस्टर को उठकर अकबर साहब का जवाब देना पड़ता है। ये आपकी इतिहाद की वजह से है। अजीब दोस्तों और बुजुर्गो, मैं आप लोगों से यही शायद करूंगा कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए आपको 30 तारीख अपने घरों से निकलना पड़ेगा, अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हल्का संपत्ति बहादुरपुरा जो अरे हमारा वक्त एरिया है, यहाँ पर कौन जीतेगा मजलिस की, इसका हमारे जहन से इस बात को निकाल देना पड़ेगा। हमको ये बताना पड़ेगा फिरका परस्ता खत्म को, इनको बताना पड़ेगा, हमारा वोट के परसेंटेज को बढ़ाकर उनको बताना पड़ेगा कि हैदराबाद का मुसलमान मुत्तहद है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से वाबस्ता है। आज उनकी साजिश है कि ऐलान पार्लियामेंट के अंदर हमको इसी तरीके से हमको नफरत में रखकर हैदराबाद की पार्लियामानी जिसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो साजिश कर रहे हैं, तो उनको उनकी साजिशों से पेश आ रहने की जरूरत है। आज हमारा परसेंटेज जिन पर जिन गिरता जाएगा तो आने वाले पार्लियामेंट के अंदर हमको तकलीफ होगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये सेमीफाइनल है, आने वाला आपको फाइनल खेलना है पार्लियामेंट इलेक्शन का। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब फिक्र पूरी करवाइए, जहाँ पर हमारे जिसका भी नाम लिस्ट के अंदर है उनसे कहिए कि एक दिन आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए कीजिए। 5 साल आपके एमएलए, आपका कारपोरेटर, आपके सुदूर मुतमदीन बैठे थे खादिम की हैसियत से आपके बीच में रहकर काम करके हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों से यही ख्वाहिश करता हूँ कि आप 30 तारीख के घरों को लिखिए, एक एक वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल के लिए। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग के निशान के ऊपर पतंग दबाकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब के लिए खुदा से शुक्र।